नमस्कार, आप भारत लाइव भी देख रहे हैं। अगर हम आपको कहें कि हिंदुस्तान में ऐसा भी क्षेत्र है जहां 6 महीने तक हर साल लॉकडाउन लगा रहता है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुनकर, लेकिन यह सच्चाई है। लॉकडाउन बहुत तरह की होती है। यहां प्राकृतिक आपदा के कारण 6 महीने हर साल लॉकडाउन लगा रहता है। लॉकडाउन यानी कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्या मसला है और किस गांव में है, ये आपको जानने में दिलचस्पी होगी, तो चलिए आपको बताते हैं। इस वक्त हम बिहार राज्य के ही मधुबनी ज़िले के मधेपुर प्रखंड के बसीपट्टी पंचायत के भगता चौक पर हैं। भगता, लाहबन और बहुत सारे ऐसे गांवों का समूह है जो हर साल 6 महीने का लॉकडाउन झेलता है। चलिए, हम जो है बहुत सारे यहाँ ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस नेचुरल लॉकडाउन में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या मसले होते हैं, इन गांवों की क्या क्या समस्या है, और हर साल जो यहाँ लॉकडाउन लगता है इसके बारे में यहाँ के ग्रामीण क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में हम और लोगों से यहाँ जो है जानकारी लेंगे। आप बाहर से आए हुए मालूम होते हैं, कहाँ रहते हैं सर? हम लाहवन गांव में रहते हैं। अच्छा, कहीं बाहर रहते हैं पढ़ाई के लिए? पुणे महाराष्ट्र। अच्छा, उधर जैसे कोविड का जैसे केस बढ़ा, उसका लॉकडाउन जैसे चीज़ें हुई, इसके बाद आप अपने गांव आए। इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि 6 महीने हर वर्ष ये क्षेत्र प्रभावित रहता है। किस चीज़ से प्रभावित? बाढ़ से प्रभावित रहता है। ये तो सदियों से होता आ रहा होगा। बहुत दिन पहले ये गाँव बसा कब था? गाँव कब बसा वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे करीब ऐसे ऐसा है कि मतलब बाढ़ जो है ना, मतलब 6 महीने प्रभावित रहती है, मतलब नदियों से। यानी कि नेचुरल लॉकडाउन है, 6 महीने तक कहीं कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है, पूरी तरीके से प्रभावित रहता है, बोल सकते हैं ऐसा नेचुरल लॉकडाउन लगा रहता है। अच्छा, वहाँ जो लॉकडाउन आप देखे हैं कि जिसमें प्रशासन जबरदस्ती लगाती है हर जगह, और गाँव में आपके एरिया में नेचुरल लॉकडाउन लगा रहता है, इसके बारे में जनप्रतिनिधि से आप लोग बात करते हैं? हाँ हाँ। तो क्या लगता है, वो लोग सुविधाएं उस तरह की दे पाते हैं? नहीं, बिल्कुल सुविधाएं नहीं दे पाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, कि आप लोग जैसे अगर बात करें तो उस क्षेत्र के ही हैं। हाँ जी। क्या लगता है, यहाँ 6 महीना पूरा प्रभावित रहता है? पूरा प्रभावित रहता है, कहीं से कोई बात नहीं होती है? नहीं। सरकार के लोग जो हैं हर साल आते हैं, विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, विकास आप लोगों को भी तो चाहिए। हाँ, विकास चाहिए, लेकिन विकास हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। विकास नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा है। सरकार कह रही है कि हर जगह विकास हो रहा है, नल का जल पहुंचा आपके क्षेत्र में? नहीं पहुंचाया अभी तक। कुछ नहीं पहुंचा? कुछ नहीं पहुंचा है। सड़क की बात करें, सड़क की क्या स्थिति है? सड़क तो देख ही रहे आप लोग कैसे टूटा है, बना के चले गए 2 साल पहले, अभी तक कुछ देर। अच्छा, कितने दिन के बाद सड़क होना था ये बताइए? 2 साल हो गया इसका, मतलब सड़क टूटे हुए 2 साल हो गया। हाँ। कितने दिन के इंतजार के बाद यहाँ सड़क बना था? बहुत सालों के बाद ये जो है सड़क बना। देखिए 20-25 साल का बाद, 25 साल से 2 साल में बाद बने हुए थे, अभी टूट फाट गया, 2-3 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी भी हम लोग तो अपना समस्या जिस तरह चल रहा था 20 साल पहले, अभी वैसे ही चल रहे हैं। ऐसे ही चल रहे हैं अभी भी, वैसे ही चल रहे हैं। वोट देते हैं? वोट जो आते हैं सरकार उसी को देते हैं, सारा पब्लिक सभी जो कहते हैं उसी में। अच्छा, वोट तो लेके चले जाते हैं, लेकिन क्या लगता है आपके क्षेत्र में मतलब विकास नहीं होता है? नहीं, कुछ नहीं। वादा तो करते होंगे ना? करते हैं, लेकिन वैसे उसी तरह से सारे बात पास हो जाते हैं, फिर भी हम लोग को फिर भी झेलना पड़ते हैं। अच्छा, बाहर से सारे दिल्ली पंजाब सारे कुछ गांव में सारे कुछ महंगा ही हो गए हैं, जो मिलना था 100 रुपये कर दिए हैं 200 रुपये। अच्छा, सारे कुछ 6 महीने इधर पानी रहता होगा तो खेती तो पूरा तरीके से प्रभावित होता है? हाँ, ऊँचा जगह पे हो जाते हैं थोड़ा बहुत, और सारा पानी हो जाते हैं, रहने का आदमी का ठीक नहीं, रोड पर आ जाते हैं सभी आदमी अपना तरह से जैसे तैसे। ये तो हर साल समस्या हो जाती है ना? ये तो हर साल सभी सभी से इतना बड़ा हो गया, हम लोग के दादा से मर गए हम लोग, आप कुछ दिन में बूढ़ा हो जाएंगे अब, और बच्चे लोग का क्या होगा, सरकार कैसे होगा कुछ पता ही नहीं। देखिए, अगर बात करें तो जो लोग बाहर के लोग देते हैं, यानी कि एक वोट सभी लोग जानते हैं, ये लोग भी एक वोट के मालिक हैं, मतदाता हैं, वोट तो देते हैं, लेकिन इनके हिस्से का विकास कहीं ना कहीं छिन जाता है। क्या लगता है चाचा, कब से देख रहे हैं इस क्षेत्र को ऐसे ही? ये क्षेत्र को हमको 60 साल उम्र का तभी तो ऐसा ही देख रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर बात करें तो यहाँ मधेपुर जाने के लिए हम लोग को इतना परेशानी होता है, इधर तो घूम को जाता 25-30 किलोमीटर, इधर तो घूम को जाता 40 किलोमीटर, हम लोग का सही परेशानी है। स्वास्थ्य केंद्र है इस गांव में? नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा, क्या बोले चाचा, पंचायत में है लेकिन नाम का है? हाँ, पंचायत में है लेकिन नाम का है, बसीपट्टी पंचायत में पड़ता है, लेकिन कभी यहाँ मतलब स्वास्थ्य कर्मी रहता है ना, कोई जांच नहीं करेगा, कोई भी चीज़। कहाँ जाना होता है अभी जैसे कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है, अगर किसी को तबीयत खराब होती है तो कहाँ जाना होगा? यहाँ से मधेपुर। मधेपुर इसके लिए रूट क्या है यहाँ से? वही चचरी पुल पार करके चचरी पुल टूट गया, पेशेंट मर गया। एम्बुलेंस आती है कहीं? नहीं, कभी नहीं।
एम्बुलेंस नहीं, कभी नहीं आया। यानी कि 6 महीने ऐसे ही आप लोग लॉकडाउन में रहते हैं, इसके बावजूद जो 6 महीना रहता है उसमें भी कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, न तो गाँव के नेता चाहे प्रमुख हो चाहे मुखिया हो सरपंच हो वार्ड, कोई भी नहीं, कोई मदद कुछ नहीं। क्या लगता है क्यों नहीं आपका क्षेत्र विकास से फिर क्यों छूट जाता है, सवाल अब क्यों छूट जाता है इसके बारे में हम क्या बताएं, हम लोग तो विकास के लिए मांगने। क्या सवाल है सरकार से, क्या सवाल करेंगे सरकार, तो हमारे गांव में नीतीश कुमार जो है खुद आया था अपने से देख करके गया यहाँ क्या है बड़ियरवा में, वादा करके कि हम 2 साल के अंदर ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सुरक्षा बांध बना देंगे, पुल बना देंगे, जो गुलजार देवी वर्तमान का जो विधायक थे वो भी बोला कि हम भी मुख्यमंत्री साहब से 2 पुल मांगे हैं भक्ता और बड़ियरवा, हाँ वो हमको मिल बार बार खुद नीतीश कुमार के सामने में बोला कि पूछ लीजिए सबको ही, हम इनसे बार बार इस बात को हम अपील कर रहे हैं कि हमें 2 पुल चाहिए, तो 15 साल बीत चुका है इस बात को, अभी तो कोई सुनवाई नहीं, मतलब खाली सिर्फ सुन हवा हवा ही, क्या अब होगा कब होगा, वोट के वक्त में आते हैं सभाएं की जाती है आश्वासन दिया जाता है लेकिन पूर्ति नहीं होती, कभी नहीं कोई चीज का नहीं। नीतीश सरकार को कितना नंबर दीजिएगा, पास है कि फेल है? जीरो। इस क्षेत्र के लोग जीरो, इस क्षेत्र के लोग जीरो। अच्छा ये बात बताइए, जैसे बहुत सारी चीज़ों की बात होती है इस क्षेत्र में, कौन कौन सा लगता है कि सुविधा नहीं, उसी को दीजिए उसको दीजिए। अच्छा हम बात करेंगे सबसे, क्या लगता है चाचा, आप भी तो इंसान है, आप भी तो वोट देते हैं? हाँ हम देते हैं। लगता है कि सरकार आपके लिए काम करती है, आपके गांव के लिए? नहीं, कोई काम नहीं करती, कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा ये बात बताइए, इधर स्कूलों की संख्या की बात करें, कितने स्कूल हैं पंचायत पंचायतों में? स्कूल की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो पढ़ाई लिखाई कोई चल ही नहीं रहा है यहाँ पर, क्या पढ़ाई चलता है, कुछ नहीं चल रहा है, जो अभी तो हमारे जो पोषाहार बच्चा को भी मिल रहा है वो भी समय पर नहीं मिल रहा है, जो विद्यालय में जो बच्चों के लिए खाने के लिए आता है अनाज वो भी मास्टर हेड मास्टर बेच ले दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जाता है। क्या लगता है जो कि इस प्रकार से सबसे पहला घुसखोरी है, घुसखोरी जो है घुसखोरी अभी तक नहीं गया है यहाँ पर, सबसे पहला घुसखोरी है यहाँ पर, और जो हमारे कार्य में हमारे भी वार्ड में 2 नंबर वार्ड है बसीपुरी पंचायत है, अभी तक जल नल का काम नहीं संभव, जो कि पैसा उठा कर खा गया है वार्ड सदस्य भी, श्रीमती हमारे ललिता देवी है वार्ड सदस्य यहाँ की, जो हमारे ये वो भी अभी जल नल का काम पूरा भी नहीं किया अभी तक, अभी पूरा बाकी है, मेन रोड भी है, जो रोड भी बना हुआ है, जो बोला कि हम मेन रोड से बस जो रोड बनाएंगे मेन रोड से सर रोड का संपर्क करें वो भी समक नहीं हो टूटा। आप क्या कह रहे थे अभी? अभी जो ये रोड देख रहे हैं आप सामने मुखिया जी बनाए हैं, अभी उस बस्ती पर जाने के लिए रोड नहीं है, कैसे जाएगा, फिर पानी आएगा पूरा रोड चले जाएगा उधर, फिर आदमी उधर से होकर गली होकर उधर उधर जाकर बस फिर वहाँ पहुँचेगा। नहीं सबसे बड़ी बात जो है स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के है, जब पूरा विश्व जो है स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में ये क्षेत्र जो है कोई स्वास्थ्य समस्या के मामले में नया नहीं है, हर साल और हमेशा इन लोगों को वही जहमत जो है वही जिल्लत उठानी पड़ती है। अगर इस क्षेत्र में अगर बात करें तो किसी की भी स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ जाती है तो इन्हें भगवान ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ न सड़क की ढंग की सुविधा है न पुल का सुविधा है, चचरी पुल जो ग्रामीणों ने अपने सहयोग से बनाया है उसी से पार होकर के जाते हैं, वो भी 6 महीने तक तो पूरा बंद रहता है, गांव में 6 महीने तक पानी रहता है, ये आज की बात नहीं है, 25 साल से अधिक हो गए और सदियों से ऐसा ही चलते आ रहा है, लेकिन सरकार का विकास इस गाँव तक नहीं पहुँचा। क्या लगता है चचा, विकास हो रहा है गांव में? बहुत विकास कर दिया है, पूरे एकदम बालू बालू है धार में, बालू खाली बेचो आ खाओ उपजाओ, बालू बेचो बालू उपजाओ, तो बालू पर बैन लगा दी थी? नहीं, कोसी एरिया में खाली बालू बेचो वही खाओ बस, आ सरकार जितना पैसा भेजता है खाली वहीं से पटना से उधर सब पद पर बैठा वहीं से खा पी के जो होता है गरीब को देता है नहीं देता अपने जेब में रखता है। इधर से हम आ रहे थे मधेपुर क्षेत्र से तो पूरा रोड तो पुल के पहले तक धार के पहले तक चकाचक दिख रहा था, बीच में पुले गायब दिखा, कहाँ चल गया पुल? पुल बिक गया है, बिक गया पुल? हाँ पुल बेच के कोरोना में लगा दिया है, पुल बेच के कोरोना में लगा दिया है तरीके, मतलब ऐसा कब से लग रहा है कि आपको ऐसा हो रहा है? ये कब से नहीं है, जब से भाषण हो रहा है सरकार बनने का आता है तभी से ऐसे काम होता है, मतलब पुल नहीं आ रहा? नहीं पुल देता है, परमेंट करके जाता है, कहता है ऐसे करेंगे, उसके बाद जेब भर जाता है तो सब पैसा लेके अपने जेब में डालता है, खाता पीता है, ऐसे करता है। अच्छा अभी आपके बगल में तो 2 पुल बना था सुने कि हमारे बड़ियरवा गाँव है। अच्छा नहीं नहीं यहाँ भी गांव के बगल में पुल दिख रहा है, मधुबनी जिला की बात कर रहा हूँ, सहरसा जिला पड़ा हुआ है गनौरा क्षेत्र में। अच्छा मधुबनी जिला में कोई पुल नहीं आ रहा? नहीं हमारे क्षेत्र में कोई पुल नहीं है। तो क्या लगता है चाचा काहे छूट जा रहा है आपका क्षेत्र, आपके क्षेत्र के साथ सरकार का कोई दुश्मनी है क्या? सरकार का दुश्मनी तो पूरा तरह से है, दुश्मनी है। हाँ जिसका जिताते है ना वही कहते हैं ऐसे करेंगे, अच्छा हो गया तो घुर को भी नहीं आता है यहाँ पर देखने के लिए, नहीं आता है। हाँ घुर को नहीं आते हैं,
मतलब क्या लगता है जो क्षेत्र में जो बच्चे हैं उसका भी शिक्षा उक्षा का बात होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बात होगा, आप लोग का भी मन होता होगा ना कि हम लोग भी विकास करें, अलग अलग चीज़ हमारे गांव में पहुंचे, सरकार का विकास काम पहुंचे, कहाँ लगता है कि गांव में पहुंच रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विकास कौन नहीं चाहता है अपने क्षेत्र में, हम चाहते हैं, हमारे माता पिता भी चाहे होंगे, लेकिन आज तक विकास के नाम पर फरेब, धोखेबाजी, यही सब हो रहा है। लूटने के लिए आ जाते हैं, लूटने के बाद अभी 5 साल के बाद कोई नहीं आएंगे, 5 साल तक, जब 5 साल बीत जाएगा उसके बाद हाथ जोड़ेंगे, वोट देना जी, जीत गए, बस काम खत्म उनका। अच्छा ये बात बताइए, यहाँ जो दुगो तो पुल दिख रहा है, सुन रहे हैं कि 12 दिन में निकल गया पुल? सहरसा जिला में। हाँ पुल, पुल का हालत आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ पुल बना तो सही, दिखा भी सबके सामने में बना, लेकिन ऐसा काम हुआ कि एक ही बार में उड़ गया। सुन रहे हैं कि 12 दिन में पुल चला गया? हाँ, हाँ, बस वही 10 रोज के अंदर में चला गया, 10 रोज के अंदर पुल, 10 रोज के अंदर में पुल चला गया। 10 साल से ज्यादा इंतजार किए, 10 दिन के अंदर में खत्म हो गया, फिनिश। हाँ हाँ वही कहते हैं, जेब में आता है पैसा चलाता है, अब बस हो गया, नहीं हुआ जाओ। सरकार से क्या अपील है? सरकार से सारे सरकार मार्फत होता है, हर एक चीज सरकार करता है इससे। अच्छा फिर 5 साल होगा, अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, फिर 5 साल होगा, फिर लोग आएंगे आपके मांगने? तो फिर आएगा, वही कहेगा जो हाँ ऐसे कल जोड़ेगा और कहेगा जो हम ऐसा पुल देंगे, ये देंगे वो देंगे, और जीत के जाएगा तो यहाँ कोई एक भी नहीं करेगा घूर को देखने के लिए। क्या लगता है कि मतलब अगला बार क्या कीजिएगा आप जो आएंगे मांगने के लिए वोट? तो बस अगला बार साफ यहाँ से एक भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा यार। अच्छा मतलब ये बात बताइए, किसी खास पार्टी का लोग ऐसा करता है या सब पार्टी वाले को वोट देके देख लीजिए? सब पार्टी वही करता है। सब पार्टी जो है ना अभी तक तो ऐसे नहीं किया है, लेकिन अभी जो पार्टी फिलहाल में चल रहा है वही पार्टी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं, सब कर रहा है। राधा नंदन से लेकर अभी तक देख रहे हैं जो सब कर रहे हैं, देख लिए। हाँ राधा नंदन से लेकर अभी तक देखे हैं, जो वही बात होता है हर एक बेर, मतलब नहीं हो रहा है, समझना ना, कभी नहीं लग रहा है, सब फेल हो। हाँ अब जो ये ना राधा नंदन कौन समय था, अभी शिला देवी है अभी तक, हाँ शिला मंडल तो अच्छी भी है, अभी तो आपको मंत्री भी है, अभी तक कुछ नहीं बना, वो भी देख के क्या जो हम ऐसे कर देंगे जीत के जाएंगे, तो अभी तो घुर्क रहे यहाँ देखने के लिए नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए। अच्छा परिवहन विभाग की मंत्री है, क्या लगता है कि 9 चलेगा क्या इस क्षेत्र में? 9 नहीं मिलता है समय पर, समय पर 9 नहीं मिलता है, उस बार फंस जाएगा, इस बार नहीं आने की कोशिश होगा, दुख मर जाएगा इसमें, ये नौबत होता है। अच्छा ये बात बताइए, इस चीज को लेकर के पहले घटना भी होती रही है क्या इधर? बहुत यहाँ घटना होती है उस समय में, बहुत घटना बहुत होती है, अस्पताल भी नहीं, मर जाता आदमी। अच्छा क्या बताया, मतलब जब आता है पानी उनी, जब 6 महीना पानी रहता है पूरा क्षेत्र में, घटना भी होता है? हाँ घटना होता है ना, लेडीज सब बीमार होता है, मर जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, और सब तो जो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, सब उधरे वितरण करके खा पी के बचता है, तब जनता के देखता है। इतना अंदर तो कोई आता ही नहीं? नहीं आता है, नौओं से नहीं नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। देखिए इस क्षेत्र की बदहाली ही कहिए, बदनसीबी ही कहिए, कि इस क्षेत्र में आज़ादी के इतने दशक भी जाने के बावजूद भी 6 महीने का लॉकडाउन यहाँ परमानेंट रहता है। भारत का ऐसा गांव भी है जहाँ 6 महीने हर साल जो है लॉकडाउन लगा रहता है। और भी लोग हैं, हम उनसे जो है यहाँ बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे सीधे तौर पर जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि क्या लगता है चाचा, यहाँ तो आप बहुत दिन से दुकान चला रहे हैं, इस क्षेत्र में विकास हो रहा है क्या? बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, बहुत देख रहे हैं, रोड एकदम चकाचक कर रहा है, जहाँ पिचिंग है वहाँ गड्ढा है, जहाँ गड्ढा है गड्ढा में पिचिंग हुआ है कि पिचिंग में गड्ढा हुआ? अरे पिचिंग में गड्ढा हुआ है, 2 साल तो हो गया टूटा हुआ, तो कम से कम उसको तो काम करना चाहिए ना, कोई काम नहीं हो रहा है। पुला वाला काम कर रहा है, 4 साल से टेंडर पास हो गया है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आश्वासन मिल रहा है, वही हो रहा है। लावन में जो है जो घर कट रहा है, बोरा बोरा वाला काम करेंगे, ना तो बोरा वाला काम कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, कोई सरकार वाला कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, थक गए सब, सब थके हुए हैं। देखिए ये जनता है और जनता वोट देना जानती है, और जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट लेना ही, वोट बटोरना ही इनसे जानते हैं, और वोट लेने के बाद इनके लिए कोई नहीं खड़े होते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इस वक्त हम जो हैं बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले में ही हैं, मधेपुर प्रखंड है, और ये लाहबन भगता गांव है, अलग अलग गांव का समूह है यहाँ, लेकिन ये ऐसा गांव है, ये गांव समूह ऐसा है जहाँ 6 महीना हर साल लॉकडाउन लगा रहता है,
बाढ़ के पानी की वजह से सरकार जानती है, 87 लोग जानते हैं और मुख्यमंत्री बदलते रहे, लेकिन इस गांव की जो समस्या है अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये लॉकडाउन इनके लिए बहुत छोटा चीज़ है, आप लोगों के लिए लॉकडाउन कोई बड़ा चीज़ नहीं ना है? सर हमारे लिए तो लॉकडाउन बहुत बड़ा चीज़ है। अच्छा, इसलिए के जो हम जब से पैदा हुए हैं यहाँ पे, तब से ये समझिए जो हर एक साल में 6 महीने तो यहाँ लॉकडाउन रहते ही रहती है। यहाँ नहीं कोई स्वास्थ्य विभाग का कोई भी काम नहीं होता है ना कुछ, जैसे महिलाएं कोई गर्भवती हो जाते हैं और वो 6 महीने जो मान लो बाढ़ पान का टाइम होता है उसमें कहीं कोई सुविधा नहीं होता है यहाँ से ले जाने के लिए, तो बीच में ले जाते कोई भी सुविधा होता है, हम लोग गांव समाज में जो कोई किस्ती उस्ती रहती है उससे हम लोग लेके जाते हैं और रास्ते में कोई महिला मर जाती है। जी सर जी, यहाँ कोई भी ना मंत्री उंत्री कोई नहीं आने के लिए, तो चुनाव में बड़े बड़े मंत्री भी आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है अभी तक। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700।